गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब घर पे सेफ हैं और अच्छे हैं, बट स्टडी भी कर रही हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज हिंदी. सो टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ आवर चार अक्षर के जोड़. आज हम क्या करेंगे, हम चार अक्षर के जोड़ करेंगे जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हम अक्षरों को जोड़ के चार अक्षर वाला एक शब्द बनाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं, जगमग, कलकल, भगवत, सरपट, ये क्या है, चार अलग शब्द है. और हमें क्या करना है, इन चार अक्षरों के जोड़ को, अक्षर मतलब एक खाली स्वर या व्यंजन, और जब हम अक्षरों को मिला देते हैं और उससे क्या बनता है, एक शब्द बनता है. तो आज हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस किया था, हम चार अक्षर के जोड़ की प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन बिना किसी मात्रा ज्ञान के, ठीक है. तो आज भी हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे. हम क्या करेंगे, हम ज लिखेंगे, ज से जहाज, ग से गमला, म से मछली और ग से गमला. ये क्या बन गया, जोड़ के अगर हम बनाओगे, ज प्लस में ग इज इक्वल टू जग, म प्लस में ग इज इक्वल टू मग, जग मग. ये क्या बना, जग मग. तो जग मग हमारा बन चुका है. नेक्स्ट, उसके आगे हम क्या करेंगे, हम हमारा नेक्स्ट वर्ड करेंगे जो कि है कल. और कल, क से कबूतर, ल से लट्टू. तो हम क्या करेंगे, कल प्लस में कल क्या बन जाएगा, कल कल. ये हमने क्या किया, चार अक्षरों को जोड़ के एक शब्द बनाया. तो हमने क्या करना है, सेम हम इसे ट्रेस करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हमने ज को ट्रेस किया, फिर हमने ग को ट्रेस किया, फिर हमने म को पढ़ा किया और फिर ग लिखा. ये क्या बन गया, जगमग. ऐसे ही हम वन मोर टाइम वी हैव टू फॉर्मेट इन अ प्रॉपर मैनर. हमने क्या करना है, हमें इसकी जो फॉर्मेशन आपको दिख रही है, सेम फॉर्मेशन पे आपको पेंसिल से ट्रेस करना है. और जगमग को लिखने के बाद हम कलकल को ट्रेस करेंगे. क प्लस में ल प्लस में क प्लस में ल क्या बन गया, कलकल. ओके, हमने क्या किया, जगमग और कलकल को ट्रेस कर लिया. इसके बाद हम जाएंगे हमारे भगवत पे. भ से भालू, ग से गमला, व से वृक्ष और त से हम बोल देते तरबूज, ठीक है. हमने क्या किया, हमने भ को ट्रेस करना है, फिर अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, अंदर की तरफ टर्न एंड अ वन मोर स्टैंडिंग लाइन, फिर व, फिर त. ओके, भगवत और ये भी है भगवत, ठीक है. हमने क्या किया, टू टाइम्स भगवत को ट्रेस किया, टू टाइम्स हमने कलकल को ट्रेस किया और टू टाइम्स हमने जगमग को ट्रेस किया. क्या किया हमने, हमने तीनों वर्ड्स को टू टू टाइम ट्रेस कर लिया है. अब हम हमारे फोर्थ वर्ड की तरफ चलेंगे जो कि है सरपट, जो कि है सरपट. स प्लस में र प्लस में प प्लस में ट, क्या है, सरपट, जो कि है सरपट. जैसे कि आप देख रहे हो, स से सांप, र से रथ, प से पिटारा, ट से टमाटर. हमने क्या किया, सरपट को भी ट्रेस कर लिया. अब आपको क्या करना है, अब आपको आपकी रफ नोटबुक ओपन करनी है, उसके अंदर आपको यही फोर वर्ड्स को एक बार एक एक लाइन में ऊपर फोर वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है. एक लेट मी शो यू हाउ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपने क्या करना है, सेम को ही आपको ट्रेस करना है. अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे नीचे 5 to 6 टाइम्स, उसके बाद आप अपनी इस टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे इन लेटर्स को फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे. लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो. ऐसी नहीं है कि आप टेढ़ी मेढ़ी ग बना रहे हो, कहीं भी म लिख रहे हो और कहीं पे ग लिख रहे हो. तो ये तो आपका आज का रहा हिंदी का होमवर्क. और साथ में आपको क्या करना है, इंग्लिश का वर्क करना है और मैथ्स का वर्क करना है. जो हमारे मंथ्स इन ईयर चल रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है साथ में आपको, और इंग्लिश के अंदर जो हमारी साउंड्स चल रही है WH फैमिली की, वो वाली साउंड्स की आपको रिवीजन करनी है और TH की भी. ओके, सो दिस इज अ वीडियो फ्रॉम कॉस्मोट इंटरनेशनल स्कूल. हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स.